अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। टुडेज आवर टॉपिक इज वुंड हीलिंग। बात करेंगे हम इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग कहते हैं मल्टीपल फैक्टर्स कैन लीड टू इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जख्म को ठीक होने पर जो है उसको टाइम ले सकते हैं, उसको मुतासिर कर सकते हैं। इन जनरल टर्म्स द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वुंड हीलिंग आर कैटेगराइज इनटू लोकल एंड सिस्टमिक। दो तरह की कैटेगरीज में इनको तकसीम किया गया है, एक को हम लोकल कहते हैं, एक को हम सिस्टमिक कहते हैं। लोकल फैक्टर्स आर दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वुंड, जो कि मतलब ऐसी चीज़ें होंगी लोकल आपके पास जो कि डायरेक्टली अपने असरात जाहिर करेंगी जितनी भी जो खसूसियात होंगी उस जख्म की उसके ऊपर। वाइल सिस्टमिक फैक्टर्स आर द ओवरऑल हेल्थ एंड डिजीज स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल दैट अफेक्ट हिज और हर एबिलिटी टू हील। जबकि सिस्टमिक में हम ये बात करेंगे कि उस पेशेंट की जो बॉडी की जो मतलब उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, जो उसकी जो सेहत से मुतासर है, या जो बीमारी उसको अगर वो किसी डिजीज़ में मुबतला है, किसी बीमारी में मुबतला है, तो वो उसकी स्टेट, उसकी जो हालत है वो डायरेक्टली मतलब उसकी इस एबिलिटी को मुतासर कर रही है कि आया वो ज़ख़म ठीक होने में टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है, या वो जितनी भी जो वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो उसको मुतासर करेगा। तो लोकल फैक्टर ये हुआ कि अगर आप किसी एक चीज़ की बात करोगे और वो हम कहते हैं कि दैट इज़ वो टारगेट कर रहा है उस वुंड हीलिंग को, ठीक है, तो दैट इज़ लोकल फैक्टर। और सिस्टमिक में ये है कि आप मतलब पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप एक किसी एक ऑर्गन की बात नहीं कर रहे, आप पूरी बॉडी को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ सिस्टमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको मुतासर करती हैं? लोकल फैक्टर्स में हमारे पास आते हैं ऑक्सीजनेशन। आपके पास ये पता है आपको कि जितने भी आपके पास जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और सेल के लिए, उसके लिए ऑक्सीजन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो बार दफ़ा ऑक्सीजन की मकदार जो है वो ज़्यादा होने की वजह से आपके पास, जैसे कि हम अक्सर हाइपोक्सिया की कंडीशन भी डिस्कस करते हैं, तो ये अक्सर ऐसा होता है कि वुंड हीलिंग को डिले कर सकता है, मतलब ज़्यादा टाइम इसके अंदर ले सकता है। सेकंड हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन बार दफ़ा अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है वहाँ पर और वो मज़ीद वहाँ पर कंटेमिनेशन का शिकार हो जाता है वो ज़ख़म, मतलब वो उसको मज़ीद जो है वो ख़राब करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर फिर ये चांसेस हैं कि वहाँ पर फिर आपके पास जो वुंड हीलिंग है, जो ज़ख़म को ठीक होने का जो प्रोसेस है, वो टाइम ले सकता है। तो ये हमारे पास इसमें टाइम ले सकता है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी, अगर बाहर से किसी आप चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ज़ख़म के ऊपर, जैसे कि अक्सर हम मतलब ज़ख़म को जब साफ़ करते हैं, ड्रेसिंग का प्रोसेस होता है, उसमें आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अगर वो स्टरलाइज नहीं है, साफ़ नहीं है, तो वहाँ पर भी कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं और वो भी उसको मज़ीद ख़राब कर सकता है ज़ख़म को, और वो उसके वुंड हीलिंग में टाइम ले सकता है। वेनस सफिशेंसी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हम कहते हैं कि जितनी भी जो वेनस वॉल्स हैं, जो आपके पास जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की जो रगे हैं वेन्स, और जितनी भी जो उनके अंदर जो वॉल्व होते हैं, जो रास्ते बने होते हैं, स्पेशली लैग की बात करेंगे हम, टांगों में जो वेंस होती हैं उनमें अक्सर इस तरह हो जाता है कि वो प्रॉपरली सही तरीके से काम नहीं कर पाती, और वो इस वजह से होता है, मतलब वहाँ पर बार दफ़ा ब्लड क्लॉट, खून का एक जमा हुआ जो एक पार्टिकल है, अगर वो वहाँ पर रह जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाती, तो इस तरह होता है कि वो ब्लड दोबारा से हार्ट की तरफ वापस नहीं जा पाता आसानी से, और फिर ये है कि वहाँ पर ब्लड की मतलब चूँकि वो ब्लड वो सही तरीके से वहाँ पर सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो वहाँ पर वो पूलिंग करना स्टार्ट कर देता है, वहीं पर ही रह जाता है। तो ये जो पूलिंग क्रिएट होती है इसे हम स्टेसिस कहते हैं। तो कहता है इस ये कंडीशन है, इस वजह से भी ये हो सकता है। तो फिर जाहिर बात है अगर जहाँ पर आपका ज़ख़म है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको ब्लड भी नहीं पहुँच पाएगा, तो फिर वो भी वुंड हीलिंग के जो प्रोसेस है उसको मुतासर कर सकता है। सिस्टमिक फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं एज एंड जेंडर। एज भी जो है वो मुतासर करती है, अगर आपके पास जो है ओवर 60 से ज़्यादा अगर उसके जो लोग हैं, तो उनमें थोड़े से ज़रा सा ये होता है कि थोड़ा सा ग्रोइंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि उसमें अक्सर देखा होता है आपने कुछ ज़ख़म के ठीक होने में जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं वो लोग, एज़ कम्पेयर टू अगर हम उससे कम एज वाले लोगों को उनसे कंपेयर करें तो ये है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स आपके पास है, मतलब जैसे कि हम कुछ हार्मोन्स की इंट्रैक्शंस की वजह से, मतलब उनमें ज़्यादा अगर वो प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं कर पा रहे, जैसे कि आपके पास इसमें हम बात करेंगे फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, मेल्स में एंड्रोजन हार्मोन्स हैं,
कुछ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो फिर इसमें भी ये है कि ये भी बोन हीलिंग को मुतासर कर सकता है। स्ट्रेस है, कुछ लोग जो परेशानी का मुसलसल शिकार रहते हैं उस वजह से भी हो सकता है। इस चेमे की कंडीशन है, अगर आपके पास आपको अगर जो हम कहते हैं ना कि ब्लड जो है वो कमी वहाँ पर वाक़ हो रही है, ऑक्सीजन की मिकदार वहाँ पर कम मौजूद है और आपके जो जितने भी सेल्स हैं टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड सप्लाई जो प्रॉपर नहीं हो पाता। डायबिटीज़ की पेशेंट्स के अंदर जो शुगर के बंदी होते हैं उनमें ओबेसिटी मोटापे का जो शिकार रहते हैं। मेडिकेशंस जो लोग ज़्यादा अद्वयात का इस्तेमाल करते हैं अक्सर जो हम ये सिस्टम में ग्लूको 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 स्टेराइड्स की जो मेडिसिन हैं इनको जो यूज़ करवाते हैं तो ये है कि ये आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस से ये बचाती हैं, ये भी जो है उसको वर्ल्ड हीलिंग को मुतासर करती हैं, सही तरीके से नहीं हो पाता। अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, जो लोग नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनमें न्यूट्रिशन आपकी जो खिज़ा है उसकी वजह से अगर आपकी जो खिज़ाई ज़रूरियात हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो रही हैं, आप अपने डाइट में अपनी खुराक में उन चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी डाइट ही प्रॉपर तरीके से नहीं है, आप अपने खुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को मुतासर करती है या डायरेक्टली आपकी हेल्थ को मुतासर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये होगा कि वो आपके वर्ल्ड हीलिंग के जो प्रोसेस है, जख्म के जो ठीक होने का जो अमल है उसको भी वो मुतासर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वर्ल्ड हीलिंग की। कुछ ऐसी पेचीदा चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं आपके पास, उसमें पहले क्या है, इन्फेक्शन है, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन हो जाते हैं, वही आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री की वजह से वो मज़ीद उसको ख़राब कर सकते हैं ज़ख़म, और उसकी वजह से वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। इम्प्लांटेशन आपके पास क्या है, आपके पास कहते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम कहते हैं कि अभी ये जो एम्ब्रियो है आपके पास ड्यूरिंग जो अभी उसकी डेवलपमेंटल जो उसकी स्टेज है तो वो बिल्कुल जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ वहाँ पर एडहेयर रहते हैं, वहीं पर ही मौजूद रहता है। मतलब इसमें ये होता है कि ये एम्ब्रियो इस हालत में अपनी तमाम जो है वो ख़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है मदर की बॉडी से, तो ये वो आपके पास सारी कंडीशन है इससे हम जिसमें हम वो ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन डेवलप कर लेता है। एपिडर्मल सिस्ट इसमें इन्होंने बात की है, बाज़ दफ़ा अगर हम बात करते हैं कि एक मतलब स्टोन टाइप का जो है कोई स्ट्रक्चर बन जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मल सिस्ट। पिगमेंटेशन रस्ट लाइक कलर ड्यू टू स्टेनिंग विद हेमोसिड्रिन, आपके पास वो इस तरीके का कलर बन जाता है जैसे कि लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है ना तो वो उस तरह का कलर ये बनना स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर जख्म के ऊपर, हेमोसिड्रिन कहते हैं ये पिगमेंट का नेम है इसकी वजह से। डिफिशेंट स्कार फॉर्मेशन, आपके पास बार दफ़ा जब जख्म ठीक हो जाता है तो वहाँ पर वो एक निशान अपना छोड़ जाता है तो कहते हैं उसकी कमी पैदा हो जाती है, वो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो ग्रेनुलेशन टिश्यू हैं वो कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इंसिशनल हर्निया, इंसिशनल हर्निया ये है कि अगर पहले से एक हर्निया की कंडीशन डेवलप हुई हुई है और आपने मतलब उसमें ये हुआ है कि मतलब पहले से कट वगैरह बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, पहले से सर्जरी हुई हुई है और सर्जरी की वजह से वहाँ पर वो एक स्कार एक निशान वो अपना छोड़ चुका है और उसके बाद दोबारा आप वहाँ पर इंसिजन कर रहे हैं उस इंटरनल ऑर्गन तक पहुँच रहे हैं जैसे कि अपेंडिक्स की कंडीशन होती है उसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड इंसिशनल हर्निया। हाइपरट्रोफाइड स्कार्स एंड कोलाइड फॉर्मेशन, हाइपरट्रोफाइड स्कार्स क्या हैं, हाइपरट्रोफाइड आपके पास एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी जो ऑर्गन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है या टिश्यू का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, वो किस वजह से, अगर आपके पास जितने भी जो उनके अंदर जो सेल्स हैं उनकी मिकदार अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उस वजह से, तो कहते हैं ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह के दाग धब्बे वहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इन हीलिंग, आपके पास कहते हैं एक टाइप के जो प्रोटीन होते हैं ना कोलेजन प्रोटीन ये ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। नियोप्लासिया की बात करेंगे हम, रेयर फॉर एग्जांपल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एक ख़ास किस्म के सेल बनते हैं इन मार्जलेंस अल्सर, एक ख़ास किस्म के ज़ख़म के अंदर दैट इज़ एक ऐसा ज़ख़म होगा जैसे कि कहते हैं हम स्कार जब वो दाग का निशान बनता है फॉलोइंग बर्न्स ऑन द स्किन, अक्सर जब स्किन जो है वो जल जाती है और जलने के बाद वहाँ पर अपना एक निशान छोड़ जाती है, बिल्कुल कहते हैं इस तरह के ये जख्म के अंदर जो है वो होता है उस तरह के वहाँ पर वो स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम बातें जो हमने डिस्कस की ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये पेचीदगी पैदा करती हैं, मतलब कि वही बात है कि वो जो जख्म है वो आसानी से सही प्रॉपरली तरीके से वो ठीक नहीं हो पाता। तो यहाँ का आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं टॉपिक्स में है। थैंक यू।